हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो दिव्यांग साथी के लिए होने वाली है जो दिव्यांग रेलवे बनवाना चाहता है, यानी दिव्यांग रेलवे पास बनवाना चाहता है। दिव्यांग रेलवे पास के क्या फायदे हैं, इसमें जो है अगर कहीं पर भी पूरे भारत में यात्रा करते हैं रेलवे में, तो उसमें दिव्यांग को जो किराए की छूट दी जाती है, यानी उसका किराया बिल्कुल माफ कर दिया जाता है, उसका किराया बिल्कुल फ्री रहता है। तो वो कार्ड कैसे बनेगा, आज की वीडियो के अंदर हम यही बताने वाले हैं आपको कि उस कार्ड के क्या क्या फायदे हैं और आप कहाँ तक यात्रा कर सकते हैं। और पहले जो ये कार्ड बनता था ऑफलाइन बनता था, पहले जो कार्ड बनने का जो प्रोसेस था इसका, ऑफलाइन फॉर्म जमा होते थे और जब ये एक सवा महीने के अंदर बनकर आता था। अब जो आज का जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, ये ऑनलाइन भी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे होगा अपने ही मोबाइल से बिल्कुल फ्री में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये ऑफलाइन कैसे बनता था। ये ऑफलाइन जो बनता था और इसको बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते थे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब आप दिव्यांग हैं तो आपके पास कम से कम 40% का दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, UDID कार्ड होना चाहिए, फिर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपका फोटो होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए थे और नाम आपका आधार कार्ड में और दिव्यांग प्रमाण पत्र में सेम होना चाहिए। अब जो भी योजनाएं आ रही हैं, अब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक करा ले अगर किसी का ना हो, क्योंकि उस पर OTP जाता है, उस OTP द्वारा ही फॉर्म भरा जा रहा है। अगर किसी का दिव्यांग प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है तो जल्दी जल्दी अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनवा ले, ये जिले में CMO ऑफिस से बनता है। जब दिव्यांग प्रमाण पत्र बन जाए, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए, एक फॉर्म आता है ऑफलाइन जो आपको दिव्यांग CMO ऑफिस से ही मिल जाएगा, जहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्र बनते हैं, जनसेवा केंद्र पे भी ले सकते हैं या आप उसको जो है ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। उस फॉर्म को आपको फिल करना होता था। उस फॉर्म को भरने के बाद जो नाम आपका आधार कार्ड में है, जो एड्रेस आपका आधार कार्ड में है, जो UDID कार्ड नंबर है, वो उस फॉर्म में डलता था और उस पर एक फोटो चिपकाया जाता है। और फोटो चिपकाने के बाद एक डॉक्टर की वेरिफिकेशन होती थी, यानी वो डॉक्टर उस फॉर्म को अटैच करता था, उस फोटो पर अपनी मोहर लगाता था और जो UDID कार्ड और आधार कार्ड उस पर मोहर लगाकर देता था। अब हमारा जो मुरादाबाद मंडल DRMO ऑफिस होता है, वहाँ पे जो है कागज जमा होते थे DRMO ऑफिस। जब वहाँ कागज जमा होने के बाद जो है 45 से 1.5 महीने के बीच में जो है ये बनकर आता था, आपके जिले के नजदीक जो भी बड़ा स्टेशन होता है उस स्टेशन पर बनकर आता था। उस स्टेशन पर जाके आपको रिसीव करना होता था, वहां से कॉल आ जाया करती थी और फिर इसको दोबारा से एक बार फिर वेरीफाई कराना पड़ता था। अब क्या है, अब ऑनलाइन कर दिया गया है, अब जो है ऑनलाइन बन जाएगा, ऑनलाइन ही आ जाएगा और उससे जो आप यात्रा कर सकते हैं। इसमें अगर कहीं पर भी यात्रा करते हैं, हर ट्रेन के अंदर कोई ट्रेन ऐसी होगी जिसमें दिव्यांग डिब्बा ना हो, हर ट्रेन के अंदर दिव्यांग डिब्बा दिया गया है, पर कानून तो कानून होता है, डिब्बे से ही बात नहीं बनती है, उसके पास जो है कार्ड भी होना जरूरी है। आपके पास जब दिव्यांग रेलवे पास होगा, जब भी आप उस डिब्बे में चढ़ पाएंगे, उस डिब्बे में यात्रा कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, बताते हैं कि किस तरह से आप इस आवेदन को ऑनलाइन कर सकते हैं। चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ गूगल क्रोम ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया है। गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है दिव्यांग जन कार्ड। तो आपको दिव्यांग जन कार्ड पर जैसे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर की जो वेबसाइट है इंडियन रेलवे, आपको इस पर क्लिक कर देना है, इस वेबसाइट को ओपन कर देना है। तो इस तरह का फॉर्म ओपन होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आएगा एप्लीकेशन लॉगिन और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो डायरेक्ट इसे लॉगिन कर सकते हैं। और आप फ्रेशर हैं, पहली बार आ रहे हैं इसको ऑनलाइन करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है न्यू यूज़र, तो आपको इस पर न्यू यूज़र पे जाकर पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जब आप इस तरह से इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा इसको ऊपर करिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है स्टेट, यानी जो भी राज्य आपका हो तो आपको उस राज्य पर क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आ चुका है, आपके जो नज़दीकी आपका जो ज़िला हो, यानी जो आपका रेलवे स्टेशन हो, उस ज़िले को आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है अपने ज़िले को। फिलहाल मैंने अपना ज़िला क्लिक कर लिया है और इसको यहाँ पे जो है वेरीफाई पे क्लिक कर देना, चेक मार्क का जो ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे जो नेम एज पर आधार नंबर, यानी जो भी आपका नाम आधार कार्ड में हो सेम वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपना आधार नंबर डालना है और फिर यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देना है। जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा।
तो फिलहाल जो मैं ये प्रोसेस ओपन करके दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर OTP डालना है, OTP आएगा, फिर OTP डालने के बाद ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर यहाँ पे जो आपकी डिसेबिलिटी क्या है, कितनी विकलांगता है, पैर से है, मेंटल है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो फिलहाल जो मैं पैर से हैं तो हैंडीकैप जो आ रहा है इस पर क्लिक कर देते हैं और फिर इस पर साइनअप पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आईडी बन जाएगी, फिलहाल मैं देख लेता हूँ आईडी बना के और इसमें देखते हैं आगे क्या प्रोसेस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर लिया है। जब इस तरह लॉगिन किया तो इस तरह का फॉर्म ओपन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा हुआ आ चुका है, वेबसाइट ओपन हो चुकी है रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के बाद, अप्लाई फॉर कंसेशन और यहाँ एप्लीकेंट डैशबोर्ड, और यहाँ पर देखिए इस तरह की चीज़ें आने लगी है। अब मैं फ़िलहाल जो अप्लाई फॉर कंसेशन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक किया तो इस तरह की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे देखिए मेरा नाम आ चुका है, यहाँ पे जेंडर आ चुका है, यहाँ पे डिसेबिलिटी की कैटेगरी आ चुकी है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आ चुका है। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल आ चुकी है जो आधार कार्ड में थी, वो अब जो है ये फार्म बनने के लिए रेडी है। आप इस फार्म को भर सकते हैं। इसमें देखिए साइज जो मांग रहा है, फ़ोटो अपलोड का जो साइज है, इसमें 5 KB से लेकर 600 KB तक इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। यानी फ़ोटो का जो साइज होगा वो 5 KB से लेकर 600 KB तक का साइज होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर ये लिखने के बाद इसमें देखिए कंसेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा, फ़ोटो अपलोड होगा, डिसेबिलिटी कार्ड अपलोड होगा और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, आईडी कार्ड में भी आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं और एड्रेस में भी आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। ये जो होता है कंसेशन सर्टिफिकेट, ये जो फॉर्म होगा अटैच वो वाला लगेगा, जो अटैच वाला होगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरे फॉर्म को आप यहाँ पे भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे सेव टू सबमिट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं इसको फुल तरीके से नहीं दिखा सकता। आप जो इस तरह से भर सकते हैं और जो अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, और इस तरह से आपका दिव्यांग रेलवे पास बन जाता है बिल्कुल फ्री में, घर बैठे ही, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी हो जाता है तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो जाता है, इस तरह से इसकी PDF डाउनलोड होती है। ये फॉर्मेट है इसका फार्म का, ये देखिए ये फार्म जो है भर लेना, ये सेम फार्म है जो ये फार्म ऑनलाइन भर के अपने डॉक्टर की मोहर यहाँ पे फोटो चिपक जाएगा और जो है आप दिव्यांग रेलवे पास बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में आए बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि हर दिव्यांग को ये नहीं पता है कि दिव्यांग रेलवे पास कैसे बनता है। अब ऑफलाइन तो ऐसा होता है, मुरादाबाद जाना पड़ता है, अपने मंडल पर जाना पड़ता है, DRM ऑफिस में जाना पड़ता है, और ये सुविधा एक ऐसी सुविधा बन गई है जो ऑनलाइन अपने ही मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने ही मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं, अपने ही मोबाइल से दिव्यांग रेलवे पास आवेदन कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में आप जो है दिव्यांग रेलवे पास बनवा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।